Hello students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Today I, Taruna Saini, will start GST chapter part 2. And today we will discuss the numerical portions, that is a journal entry related to the goods and service tax. So you have a look on these topics. Firstly, whenever we purchase the goods, what do you know that purchase account is a nominal account? Purchase account is a नॉमिनल अकाउंट. सो परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड. पर्सनल रियल नॉमिनल की बात करें तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है. और अगर असेट्स लाइबिलिटीज एक्सपेंस कैपिटल इनकम की बात करें तो ये आपका एक्सपेंस अकाउंट होता है. तो ये आपका डेबिट हो गया. अब या तो आप उसे कैश पे करोगे बैंक के थ्रू या आप उधार ले लोगे. तो परचेजेस टू बैंक तो पहले ही होती थी. अब क्योंकि आपको बताया था कि जब हम टैक्स पे करते हैं तो ये आपका असेट होता है क्योंकि अल्टीमेटली ये आपको वापस मिल जाएगा. तो असेट अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट. तो इस हिसाब से हम जब इनपुट CGST और इनपुट SGST को डेबिट करेंगे. तो आपको ये एंट्री आपको नोटबुक में लिखनी है कि जब हम गुड्स को परचेज करते हैं और GST पे करते हैं तो क्या होता है. देन बेटा, जब आप गुड्स को सेल करते हैं तो आपको खूब अच्छे से पता है जब सेल करेंगे तो या तो मनी आएगा या आपके कस्टमर्स क्रिएट हो जाएंगे. डेटर्स क्या होते हैं, आपके कस्टमर्स ही होते हैं. ठीक है, तो अब आपने सेल कर दिया. अब जब सेल करोगे तो आपको टैक्स कलेक्ट हो रहा है तो ये आपका क्या हो गया, ये लायबिलिटी हो गया, ये आपकी इनकम हो गई और ये आपके क्या हो गई, असेट. आपकी असेट बढ़ रही है. इंक्रीज इन असेट विल बी डेबिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटीज इनकम विल बी क्रेडिटेड. आगे देखो, अगर हम गुड्स को वापस करते हैं, परचेज रिटर्न करते हैं, आपने सामान खरीदा, यह आपका सप्लायर है. ठीक है, बिजनेसमैन ने सप्लायर से सप्लाई लिया, मटेरियल लिया. ठीक है, तो जब लिया तो हमने क्या किया, परचेज किया. अब हम उनको क्या कर रहे हैं, अब हम उनको सामान वापस दे रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी इनकी तरफ क्या हो रही है, कम हो रही है. और डिक्रीज इन लायबिलिटी को क्या करते हैं, डेबिट. और हम उनको क्या दे रहे हैं, परचेज रिटर्न वापस कर रहे हैं, यानी कि आपके एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, और जो आपने इनपुट GST SGST वहाँ पे डेबिट किया था वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है, परचेज रिटर्न के केस में इनपुट CGST और IGST ये सब रिवर्स हो जाता है. सेल्स रिटर्न के केस में क्या होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा और डेटर जो होगा वो क्रेडिट होगा. डेटर आपके क्या होते हैं, असेट होते हैं. आपके कस्टमर आपको सामान वापस दे रहे हैं तो आपके असेट कम हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. तो सेल्स रिटर्न टू डेटर्स. और यहाँ पे इस एंट्री में आउटपुट CGST और आउटपुट SGST क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे. अगर आपने कोई भी फिक्स असेट खरीदी है तो फिक्स असेट डेबिट टू बैंक से पेमेंट किया होगा. ठीक है, अब या कोई क्रेडिटर से. और जब आप खरीदते हो तो आप इनपुट CGST SGST यूज़ करते हो. इसी तरीके से जब कोई भी एक्सपेंस पे होते हैं तब भी आप टैक्स पे करते हो, तो इनपुट CGST इनपुट SGST. आपको जब इनकम मिलती है तो आपके पास क्या आएगा, इनकम पर आप टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो आउटपुट CGST आउटपुट SGST. जब ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है गुड्स को, तो ड्रॉइंग्स टू परचेज तो पहले ही हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ी है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनपुट CGST इनपुट SGST. अगर आपका कोई लॉस हो गया है तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट, ये आपके लॉस हो गए. आपका परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया क्योंकि आपका जो एक्सपेंस था, जो आपके गुड्स थे वो कम हो गए. और यहाँ पर आप परचेज जहाँ क्रेडिट होगा ना बेटा, जैसे परचेज रिटर्न के केस में हुआ था, तो वहाँ पे इनपुट CGST और इनपुट SGST क्रेडिट होगा. अब आपको क्या करना है, जितनी भी एंट्रीज में अभी तक आउटपुट CGST आया है या आउटपुट SGST आया है, उनको आपको कंपेयर करना है. कंपेयर करने के बाद में आपको उन्हें सेट करना है. सेट ऑफ हो गया ये आउटपुट टू इनपुट, क्योंकि आउटपुट का मतलब जितना आपने कलेक्ट किया और इनपुट का मतलब जितना आपने पे किया. तो जो कलेक्ट किया, जो पे किया, आप उसको राइट ऑफ कर दोगे. मान लीजिए 100 कलेक्ट किया, 60 आपने पे किया, अब कितना बचेगा, 40, उस 40 को पे कर देंगे. ठीक है, जो आउटपुट आपका बच जाएगा हम उसको क्या कर देंगे, पे कर देंगे. ठीक है, और ये यहाँ पे SGST राइट ऑफ करने का. एक इम्पॉर्टेंट बात और समझ लें बेटा, इलस्ट्रेशन 1 आपको करनी है. ठीक है, जो आपको ऊपर एंट्रीज बताई हैं उसी के हिसाब से होंगी.
इलस्ट्रेशन वन आप करके देखना। एक चीज़ और आपको समझनी है कि जो जीएसटी है, अगर आप विद इन स्टेट कर रहे हो तो आपका लगेगा एसजीएसटी और सीजीएसटी, लेकिन आप अगर आउटसाइड द स्टेट कर रहे हो लेकिन कर कंट्री के अंदर रहे हो तो आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मटेरियल सप्लाई हो रहा है तो लगेगा आईजीएसटी, और अगर सेम स्टेट के अंदर लग रहा है तो लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आपको ये एंट्रीज नोटबुक पर नोट करनी है, अंडरस्टैंड करनी है और इलस्ट्रेशन वन करना है। थैंक यू सो मच।